सर माई नेम इज़ रूपा कुमारी आई बिलोंग्स टू जम्मू डिस्ट्रिक्ट बिहार आई हैव डन माई बेसिक एजुकेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन टू थाउजेंड एटीन एंड आफ्टर देट आई एम परसुईंग फॉर सिविल सर्विस एंड प्रिपेयरिंग फॉर डेट ओनलीज एंड preparing for that only. okay. so economics has been your background. and uh, what i can see is you have a lot of uh, extracurricular activities. Uh, not extracurricular. so my hobbies include some different uh, sectors and different activities. coming on to paper crafting. yes. Sir. what is this? so paper crafting is basically belongs to like paper quilling. And uh, the newspaper which I use to make some craft-related uh, 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 craft-related products such as uh, we can say pot and paper stand. Uh, that's like of thing. Has any craft uh, been GI tagged in India? Uh, any form of craft? Sorry, sir, I am unable to recall right now. Okay, Okay and what will be the advantage of this paper crafting in in Bihar administration? sir, okay, sir sir. Sir, can I speak in hmm. Hindi? Hmm. Thank you sir. Hmm. Sir, ki dekha gaya, abhi solid waste management hmm. Hmm. Solid waste management बहुत ही ज्यादा मेजर इशू हो गया है हमारे बिहार के लिए हमारे म्यूनिसिपल सेक्टर के लिए और पर्यावरण संरक्षण भी एक मेजर मुद्दा है तो इसीलिए पेपर क्राफ्टिंग से हम उससे एक प्रोडक्टिव सामान बना सकते हैं और ये थ्री आर जो रिसाइकिल री एंड रिड्यूस जैसी जो चीज़ें हैं उसको हम प्रमोट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम कुछ जॉब भी जनरेट कर सकते हैं अगर हम इसे लार्ज मास में ट्रेनिंग दिया जाए इन्हें लोगों को सिखाया जाए तो हम इससे जॉब भी जनरेट कर सकते हैं और रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं Uh, means recycling को encourage करना ये आपकी प्रायोरिटी होगी यस सर उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी पेपर भी इससे रीयूज होगा और कम पेपर अगर पेपर को हम दोबारा रिसाइकिल करेंगे तो हम इससे पेड़ कम कटेगा और आगे हम कम पेपर की रिक्वायरमेंट होगी ओके सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बेसिकली इंडेक्स जो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो देखती है इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं पर कैपिटा इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सॉरी सर थर्ड इज ना मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ और करेंटली इंडिया का इसमें इंडेक्स वन हंड्रेड सेवेंटीन है ये कौन से ईयर का डाटा आप मुझे दे रही हैं सर मुझे जहाँ तक आते है ये 2019 का है सर 19 के बाद ये इंडेक्स नहीं आया आ, सर आई मैं अवेयर नहीं हूँ सॉरी सर ठीक है ये स्टार्ट कैसे हुआ कॉन्सेप्ट एसडीआई का एसडीआई सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओके सर सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर ये ह्यूमन से रिलेटेड जो भी पॉवर्टी है हमारे वर्ल्ड वाइड लेवल पे उनको बेसिकली मेजर करने के कंसेप्ट से इसे स्टार्ट किया गया ताकि जो भी मेन जो रिक्वायरमेंट होती है लिटरेसी का लाइफ के लाइफ एक्सपेंडिजी का एंड पर कैपिटा इनकम का इन इन तीनों चीज़ों को मेजर कर कर हम किसी भी सोसाइटी किसी भी कम्युनिटी या किसी भी स्टेट के उस प्रेजेंट uh, समय में क्या उनका ग्रोथ हो रहा है उस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं तो इसमें हम इम्प्रूव इस इंडेक्स को देख कर हमें आगे की चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हाँ। कि हमें किस पे काम करने की जरूरत ठीक है, है।, है। बट मेरा जो क्वेश्चन था कि स्टार्ट कब हुआ और किन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट ठीक इकोनॉमिक्स रिलेटेड आजकल एक uh, बहुत ही पॉपुलर है है ग्रीन ग्रीन आपने पढ़ा होगा yes, क्या सर ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली हम इसे पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी आजकल क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें जो इशू आ रही हैं जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है उसको हम ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी में जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम उसमें पर्यावरण का लॉस कम हो या फिर हम उसे फिर से रिस्टोर कर पाएं इसको देखते हुए हम तो मतलब इकोनॉम मतलब इकोनॉमी में जो भी मेजर्स और पॉलिसी बनाते कब आया ये कौनसेट? कैसे स्टार्ट हुआ सॉरी सर आ, मैं वे, सर अगर आप बोलें तो मैं कुछ गैस करना चाहूँगी सर जब से क्लाइमेट चेंज और ओजोन लोड ओजोन लेयर डिप्लेशन की चीजें जब सामने आने लगी एक ये मेजर इशू बनने लगा तब से ग्रीन इकोनॉमी पे लोगों का लोग उसके तरफ ज्यादा झुकाव हो गए ये कौन से डिकेट में हुआ जब हमें इस बारे में नॉलेज आया ओजोन डिप्लेशन या क्लाइमेट चेंज कौन सा वो डिकेट था सॉरी सर आई एम टू रिकॉल राइट नाउ ठीक आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ सर 1935 थ्रू कैसे सर आरबीआई एक्ट आई थिंक सर आरबीआई एक्ट यस सर दैट वाज 1934 ओके सर थैंक यू सर ठीक है फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी एक डेट है जिसमें आरबीआई नेशनलाइज हुआ yes, यस सर yes, okay. क्या, क्या है वो? 1949 49 सर ओके मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं आरबीआई के यस सर सर आरबीआई बेसिकली जो भी हमारे इंडिया में मनी uh, रिलेटेड और करेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं सबसे पहले वो उसे रेगुलेट करता है फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं उससे रिलेटेड फंक्शंस बनाते हैं और ग्रोथ विद विद स्टेबिलिटी इसका ये ऑब्जेक्टिव है और करेंसी को ईशू uh, करता है आर और सर साथ में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं बैंक्स हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उन्हें वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हाउ टू वर्क एंड हाउ टू स्टेबलाइज फाइनेंशियल सेक्टर्स गिग इकोनॉमी क्या है यस सर गिग इकोनॉमी बेसिकली इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं जो भी टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर काम करते हैं उनकी किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती वर्क की फॉर ए फ्री हम उसको कह सकते हैं सर उसे हम गी मतलब उससे जो पैसे जनरेट होंगे या उसके अंदर में जो भी वर्कर काम करेंगे उसको हम गिग इकोनॉमिक के अंतर्गत रखेंगे मीन्सनाइज सेक्टर uh, uh, ये आप कहना चाह रहे हो यस सर इनफॉर्मल और टेम्प्रेरी बेस्ड वर्क और जॉब

बिहार का ग्रोथ रेट कितना है अभी टू पॉइंट फाइव परसेंट ग्रोथ रेट सॉरी का, yes, yes, का बताइए इंडिया का अभी सॉरी सर ओके कोई बात नहीं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम Yes, 2016 में आया था यस yes, सर इसके कुछ प्रोविजन के बारे में बताइए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है परपज़ क्या है सर इसका ऑब्जेक्टिव मेनली जो भी लोगों लो, लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, करप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्हें हम आ, इन आ, आ, एक्ट के थ्रू इनसे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाकर हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा जो भी आगे का क्रियान्वयन होगा उसके थ्रू हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं ठीक है आर टी पी एस सुना है कभी आपने बिहार में आर टी पी एस काउंटर्स होते हैं जब आप ब्लॉक में जाते हो आर टी पी एस के बारे में सुना है कभी सॉरी सर मैं नहीं जाना ठीक है आ, बिहार इन्वेस्टर सबमिट हुआ था एक मीट हुआ था कहाँ पे हुआ था लेटेस्ट अभी सर ये दिल्ली में हुआ था क्या पर्पज था इसका सर इसमें बेसिकली बिहार में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रमोट करने के लिए उनसे रिलेटेड किया गया है, इसमें आ, बिहार के क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में कुछ बताइए सर बिहार जो है वो आ, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है और इसमें सर कॉपिन है कॉपिन बिहार में टोटल कितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं सर टोटल आ, थ्री है वैसे सब अगर ऐड किया जाए तो टोटल फोर हैं? है, yes. है कौन कौन से हैं सर जोन टू एंड थ्री डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं आपके जोन कौन सा है कौन सा रीजन है सर तिरहुत और पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण डायरेक्शन वाइज बताइए आप कितने सॉरी सर मुझे डेटा ठीक है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यस सर सर ब्लॉक ब्लॉक टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेट कर कर हम देख सकते हैं इसमें इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका रिकॉर्ड ये अपडेट कंटिन्यू करता रहता है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा क्या ऐसी ई गवर्नेंस स्कीम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है लैंड रिफॉर्म्स में या अदर रिफॉर्म्स कुछ बताएं मुझे सर लैंड रिकॉर्ड सारे डिजिटलाइज uh, फॉर्म में रिकॉर्ड uh, किए जा रहे हैं अभी करेंटली ब्लॉकचेन कुछ हेल्प कर सकता है उसमें यस सर डेटा को अपडेट करने में लैंड के कैसे करेगा ब्लॉकचेन? कैसे काम करता है ब्लॉकचेन? सॉरी सर इतना डीप नॉलेज पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है गी? सर uh, पंजाब में करेंटली आप गवर्नमेंट uh, हैं uh, और इसमें सर अभी रिसेंट न्यूज़ में देखा गया है कि जो सिंधु uh, uh, जो एक सिंगर थे उनका हत्या कर दिया गया है और इसका क्या नाम है uh, सिंधु मोजावाला मोजावाला यस सर और ऐसा बताया जा रहा है सर जिस दिन उनका हत्या किया गया उससे एक दिन पहले उनकी जो सिक्योरिटी थी उनको उसको विड्रॉ कर लिया गया था और गवर्नमेंट मतलब लोग जो उनके फैन फॉलोअर्स थे उनका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिसेंटली आप आपकी जो सरकार वहाँ पे आई है उस उनका इसके पीछे हाथ हो सकता है ठीक है अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है जैसा आपको पता होगा तो क्या लगता है कि पंजाब में कोई असर दिखेगा इसका सर आ, क्योंकि पंजाब से रिलेट कर कर अगर हम इसे देखें तो क्योंकि हमारे हाँ, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है और इसका इफेक्ट तालिबान से रिलेट कर कर हम नहीं देख सकते तो ओवरऑल सेंट्रल लेवल और ऐसा अगर कुछ होता है तो हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को देखते हुए इस पर कुछ कदम उठाएंगी अच्छा एक मूवमेंट चल रहा है सेब सोइल मूवमेंट इसके बारे में सुना है आपने यस सर सुना है कुछ बताए इसके बारे में सर सुना है बट अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं ठीक है ओके सर अच्छा आप ये बताइए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से क्या समझती हैं सॉरी सर यू सेड कॉस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यस सर सर जो भी प्रोडक्शन किए जाते हैं उसमें जो भी कॉस्ट uh, होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में उससे जो भी कॉस्ट जनरेट होता है उससे हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो सिर्फ कॉस्ट आपने बेनिफिट सर और उसके जो भी उन, उसका जो आप इकोनॉमिक्स की छात्रा रही हैं यस सर इकोनॉमिक मतलब परिभाषा बताया सॉरी सर मैं अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं अच्छा चलिए आपने क्या बताया कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस हाँ. में जो भी कॉस्ट सर जैसे चार लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर जुड़े रहते हैं उनका हाँ. जो कॉस्ट इनकर किया जाता है हाँ. फिर अल्टीमेटली जि, जिस रेट पे उन्हें सेल किया जाता है उनके बीच का जो प्रॉफिट होगा डिफरेंस उसे हम कॉस्ट अगर मैं आपको श्रावणी मेले की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए कहूँ तो क्या क्या मुद्दे आप चुनेंगे आप क्या बताएंगे मुझे आ, सर श्रावनी मेला जाते हैं। से जल लेकर yes. बाबा धाम तक जाते हैं yes. उसकी करें आप यस सर संक्षेप में बताइए यस सर सावन के मेले में सर बहुत सारे ज, जो भी छोटे मोटे या बड़े स्तर पे भी भी जो जॉब मतलब जॉब का क्रिएशन या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भी वेंडर्स होते हैं वो लगाते हैं जो बोलबम होते हैं उनके लिए तो वो अपना वहाँ पे कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं जो भी उनसे रिलेटेड सामान होते हैं कावर वगैरह इनके साथ साथ उनके खाने पीने की सुविधाएं वहाँ पे जुड़े हुई रोड की साफ़ सुविधाएँ ये सारी चीज़ें उसके बाद जो उनका मतलब तो ये सब कॉस्ट में आ गया सर और इससे रिलेटेड बाबाधाम और जहाँ से सुल्तानगंज से वो जल उठाते हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर साफ़ सफाई और सारी चीज़ों पर जो कॉस्ट इन्वेस्ट करती है और इसके बाद सर जो जो भी बोलबम होते हैं वो खर्च करते हैं इन सब चीजों को यूज करने के लिए ये कांवर खरीदते हैं या फिर जल उठाते हैं रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा सर वो, तो वो कितना होगा कितना अंदाजा लगता है आपको कितने का, कितने का करोड़ का बिजनेस होता होगा या अरबों का बिजनेस होता है क्या जनता को लाभ होती है इससे सरकार क्या उसमें खर्च करती है ये सब बताएं सॉरी सर इसका एस बिल्कुल आई इंडेक्स क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट वो है क्या

Uh, uh, sir, बिहार uh, या फिर भारतीयों का बताया सर ओवरऑल अप्रॉक्स सर फोर्टी सर एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं, नहीं बता तो नहीं। तो फिर तो आप इंडेक्स भी कितना है भारतीय कहाँ स्टैंड करते हैं ये भी नहीं बता पाएंगे मुझे सर uh, मैंने लास्ट डेटा uh, जो पढ़ा था वो वन हंड्रेड सेवनटीन में uh, इंडिया लाई कर रहा था sir. अच्छा यस सर तब तो, तो सिचुएशन अच्छी ही है बहुत खराब नहीं है जल्दी हम लोग पीछे रहा करते हैं हर चीज़ों में इन सब तरह की चीज़ों में सर इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है और एक वास्ट पॉपुलेशन है और साथ ही डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड इस कंटिन्यू uh, हमारी जो गवर्नमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे वर्क कर रही है लिटरेसी रेट पर ये जो पर कैपिटल इनकम आपने बताया जो भी फिगर आपको एक yes. याद आ रहा था अगर उसे बढ़ाना हो तो हमें क्या क्या करना होगा सर uh, सबसे पहले तो uh, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आ, ऐसा बोला गया है कि डेवलपमेंट फीड अपॉन इट्स तो हम जितना डेवलपमेंट करते हैं फिर बैक टू पॉपुलेशन उतने ही एराइज़ हो जाते हैं सबसे पहला जी जी ये सर पॉवर्टी हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ सर डिपेंडेंसी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है एज़ कम्पेयर टू जितना वर्किंग है तो हमें वर्क फोर्स लेबर फोर्स में लोगों का इन्वॉलमेंट कराना ज़रूरी है और उसमें सर सबसे ज़्यादा वमेंस का इन्वॉलमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वुमेंस के इन्वालमेंट से एक लार्ज पॉपुलेशन वर्किंग सेक्टर में काम करेंगी

तो सर ऐसा बोला जाता है कि एक विमेन अगर पढ़ाई करती है तो उसकी अगली सात पीढ़ी पढ़ती हैं और विमेन को हर एक एरिया में वो चाइल्ड के अब पढ़ने से जीडीपी बढ़ जाएगा मेरा नो सर आ? पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कि उन्हें जो भी उन्हें स्कीम्स हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर वो और किस चीज़ का बिजनेस कर सकती इस चीज़ से वो अवेयर हो पाएंगी उनमें स्किल जनरेट होगा तो इससे सर हमारा जो भी सोशो इकोनॉमिक मेजर्स है वो सही हो सकता है हेल्थ, एजुकेशन मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यस yes, सर प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोर देना हो, होगा मे, मे, क्या है? मेक इन इंडिया yes, आप इसका बिहार में क्या भविष्य देखती हैं किन किन सेक्टर्स में हम मेक इन इंडिया कर सकते हैं बिहार में आ, सर हम आ, देखें तो हम आ, तीनों सेक्टर्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में बिहार के स्तर पर हम मेक इन इंडिया की आ, को हम इंक्लूड कर सकते हैं सर एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले हम फार्मर्स को जैसे अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम इन्वॉल्व किए हैं यहां है बिहार यस सर अभी अच्छा। रिसेंट में और इससे हम आगे स्तर पे हम वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं सर तो इससे मेक इन इंडिया खुद का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर में हम देखें सर क्योंकि मिनरल ज़्यादा नहीं है तो हम आईटी इंडस्ट्रीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लेदर सेक्टर टेक्सटाइल इस इनका अच्छा स्कोप है तो हम यहाँ पे खुद का आ, सारा कुछ आ, इन्वेस्ट कर कर एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं और जो ऑलरेडी स्टैब्लिस्ड सेक्टर्स हैं लाइक शुगर मिल वगैरह उसे हम फिर से रिफॉर्म रि re कर सकते हैं सर टर्सरी सेक्टर सर टर्सरी सेक्टर में हम इंटरप्रेन्योर को हम डेवलप कर सकते हैं उन्हें प्रमोट कर सकते हैं ताकि हम अपना जनेस बिहार में जो भी यंग यूथ है उनके यंग माइंड हैं उनका हम इस्तेमाल कर पाए और खुद का यहाँ पे स्टार्टअप क्रिएट कर कर इससे सर दो चीज़ें सॉल्व होगी हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू है वो भी सॉल्व होगा और हमारा इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ये लीड करेगा सर सर्विस सेक्टर के बारे में क्या करना चाहेंगे सर आ, आ, सभी सेक्टर में सर्विस सर्विस ओके सर तो सर्विस सेक्टर में मेक इन इंडिया को हम इस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं सर जो भी मेक इन इंडिया से जैसे ई गवर्नेंस जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है सर्विस uh, सेक्टर में उसे हम प्रमोट कर सकते हैं इसके साथ साथ सर जो भी uh, नए सर्विसेज हैं लाइक हमारे बिहार में बेसिकली सर डोर टू डोर हम uh, ये देखा गया है कि ऑनलाइन सर्विस हर चीज़ों का उपलब्ध नहीं है जो कि बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो हम उससे भी इंक्लूड कर सकते हैं और इसके साथ साथ तो लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है सॉरी सर अभी और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है सॉरी सर बिहार के है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है संजय करो uh, और बिहार के राज्यपाल कौन है फागू uh, चौहान uh, uh, और बीपीएससी uh, के चेयरमैन कौन है सर मिस्टर आर के महाजन ठीक है आपका इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं हम लोग